gonna. Walking alone at night, trying to figure what is right. आपको याद है जब अभी हमारी सेकेंड एनिवर्सरी होने वाली थी तो हमने दो तीन दिन पहले अपने प्रोग्राम के मुताबिक सवालात करने शुरू किए थे। उसमें एक सवाल मैंने आपसे पूछा था कि ये तीन सेलिब्रिटीज हैं और इनमें से सबसे ज्यादा जीएमपी में कौन गेस्ट आया है। उसमें एक नाम मैंने फैसल कुरैशी का भी रखा था, लेकिन अल्टीमेटली उस दिन वो शकील सिद्दीकी का नाम आगे आ गया था, इसलिए कि वो 11 दफा आए थे और फैसल 10 दफा आया था। लेकिन आज पल्ला बराबर हो जाएगा क्योंकि मुकाबला बराबर होने वाला है। और एक दूसरे साहब हैं, वो कुछ दिनों पहले मेरे प्रोग्राम में जब आए, कम है वो मेरे प्रोग्राम में, फैसल से कम दफा आए, लेकिन कुछ दिनों पहले आए थे। वो एक बड़े मुख्तलिफ और अनोखे अंदाज में आए थे, जिसमें आजकल आप एक ARY पे ड्रामा जो चल रहा है शहर दिल के दरवाजे, उसमें आप मूछों के साथ देख रहे हैं। लेकिन आज मूछों के बगैर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एजाज असलम और फैसल कुरैशी, बहुत दिन बाद एक दफा फिर साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बैठिए प्लीज। क्या हालात आप लोगों के? ठीक ठाक, इतने दिन बाद पुरानी यादें ताजा करा दी ऑन स्क्रीन एक दफा फिर दोबारा साथ इस म्यूजिक के पीछे। बिल्कुल, और वो भी इतनी सुबह सुबह। तुम टोकन नहीं बोलोगे? नहीं नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, सुबह सुबह 6 फोन कर चुका ही है। कभी तुम्हें लगता है कि दोस्ताना तुम दोनों पे बनी थी या देख के बनी थी? याराना बनी थी, याराना बनी थी, हाँ ये कह सकते हैं। लेकिन ये कि मैं और तुम से हमारी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं और बहुत अच्छा टाइम जो 3-4 साल हमने स्क्रीन पे एज यू नो लाइटर वे में वो जो हमारी कॉमेडी है, बहुत पॉपुलर याराना, मॉडर्न याराना, मॉडर्न वर्जन ऑफ याराना। लेकिन ये बहुत एक अच्छा प्ले था जो कि कंटिन्यू हो सकता था, बट ड्यू टू सम रीजंस वो हम उसको नहीं कंटिन्यू कर पाए। लेकिन आज हम लोगों से ये पूछेंगे कि जो आपके व्यूअर्स हैं कि क्या हम इसको दोबारा शुरू करें या इस जैसी कोई चीज़। बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोगों ने नहीं कहना है वैसे, नहीं आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल में लोगों को लोग देखना चाहते हैं वैसी लाइव एंटरटेनमेंट दोबारा। और अगर ये हम कहें कि बहुत सारे टीवी चैनल्स को रस्ते दिखा दिए इस ड्रामे ने, अक्सर प्लेज में काफी मैं आजकल देख रहा होता हूँ तो बड़े जुमले सुनने को मिल रहे होते हैं। हाँ, जो हमारे मैं और तुम के तो। लेकिन ये है कि अच्छा है, चूंकि हम भी जाहिर सी बात है किसी न किसी से इंस्पायर थे, हम लोगों ने भी उसको आगे थ्रू किया, अब बाकी लोग आ रहे हैं वो भी उसको आगे करें तो अच्छी बात है। वो एक जितनी टेंशन जितनी प्रॉब्लम्स आजकल हमारे माशरे में या हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा होना चाहिए कि एक आधा घंटा जो है। जब अल्लाह नन्ना बहुत मशहूर हुआ और उसकी कहानियां लोगों को अब तक याद है कि जी ये हुआ तो हुआ था और ये होता था और ये जुमले थे और वो जुमले थे, फिर उसके बाद ऐसी कोई चीज हमें टीवी पे मिली नहीं थी, फिर एक उसका मॉडर्न वर्जन देखने को मिला तो वो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। बेसिकली हम इंस्पायर हुए थे परफेक्ट स्ट्रेंजर्स से, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स वो जर्जीस का ही आइडिया था और फिर उस पर ऊपर काम हुआ काफ़ी और असफर शुरू में इन्वॉल्व थे, डायरेक्ट असफर करते थे तो वो फिर इस तरह वो चीज़ डेवलप हुई और हमने एक लिमिटेड 26 एपिसोड्स करनी थी। हाँ। जो फिर हम मेरे ख्याल में कितने सिलसिला चलता गया, 4 साल किया हमने, 200 एपिसोड्स, ऑलमोस्ट 200, मोर देन 200 एपिसोड्स हमने। और फिर हालात ये आ गए थे कि स्क्रिप्ट कुछ नहीं होता था, साइड में रख देते थे ये दोनों स्क्रिप्ट और टाइमिंग इन लोगों की इतनी मैच हो गई थी कि एक जुमला आ रहा था दूसरा वो ही पकड़ी है उसके बाद। वो बहुत जबरदस्त टाइम था हमारा, हम अभी भी मैं तो बहुत मिस करता हूँ। अभी तुमने बैठती शायद तो क्या कहा था? मैं कह रहा था आज कपड़े भी जो है वो कलमकार के लगे हैं। ये ज्वाइंट वेंचर है कलमकार और रूबी शकील का। बहुत उन्होंने कहा कपड़े भी उसी तरह के बना देते हैं। थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो तो लगेगा सिर्फ मुंह रखा हुआ है ना सोफे पे। कवास मतलब वैसे ये अच्छा आइडिया है, हर रोज ऐसे ही करें। इसके पीछे थोड़ा सा रख दिया, तब्दीली आ जाएगी जरा सा हल्की सी। क्या हो रहा है फैसला आजकल जिंदगी में? तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत तब्दीलियां आई हैं और काम उसके साथ साथ है। और अब आजकल तो बड़े सीरियस नौयत का काम कर रहे हो और हाल दिल में तो मतलब लोगों के मुंह यूं खुले के खुले रह गए, एक नया फैसला सामने आया।
हाले दिल हाँ बस हो गया, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है बस। मतलब कितना रोल, मतलब किसको पढ़ा था और इतनी इतनी सख्त ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली कुछ चीजें देखी, कुछ लोगों से मिला जो लोग देख नहीं सकते, कुछ उनको थोड़ा फॉलो किया। फिर एक कॉमन फैक्टर जो एक होता है, जो ज्यादातर लोग जिस तरह ज्यादा होते हैं, हाँ। जो पैदाइशी तौर पे नहीं देख पाते, उन लोगों को देखा, ऑब्जर्व किया। लाहौर में मुझे एक लड़का मिल गया, उसको मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। वो मेरे साथ तकरीबन 13-14 दिन रहा। मैं दमहे की शूट कर रहा था वहाँ पे, हमारा ARY का एक शो है, तो वहाँ पे वो मुझे मिल गया। तो उसको मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया। तो जब मैंने प्ले किया करने के बाद, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सम ब्लाइंड स्कूल, लाहौर से मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि भाई हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारा कोई स्टूडेंट है जो फिर रहा है। फिर मेरे कज़न है एक रिफी भाई, वो आया, उन्होंने कहा कि तुम अगर गवर्नमेंट कॉलेज, तुम्हें इंग्लिश के टीचर याद हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं याद। कहते वो अपना क्या कहते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही थे। कहते मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे अपने टीचर याद आ जाते। देखो कोई रोल्स आप ऐसे होते हैं जो लाइफ में बिल्कुल आपको याद रह जाते हैं, यार मैंने ये काम कर दिया। और यकीन करो कि वो आई वॉज नॉट सपोज टू डू दैट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कोई और प्ले करने वाला था, मैं कुछ और प्ले करने वाला था, बट सडनली जो चेंज आया तो मैंने वो किया। तो कुछ मेरे पास सिर्फ 20 दिन थे उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो वो इन दिनों में देखो कितनी अजीब बात है कि हम 98% और 2% की बात करते हैं। इस वक्त कोई 2% पाकिस्तान में लोग नाबीना हैं, मगर उन 2% ने तुम्हें इस ड्रामे में देख मतलब देखा क्या, महसूस किया, पता उन्हें चला और फिर उन्हें ये कितना अच्छा अंदर से लगा होगा कि देखो हमारी आवाज बन के कोई स्क्रीन पर आया है, लोग रिलेट करते हैं। कितनी अच्छी, कितनी बड़ी सेटिस्फेक्शन मैंने करते हुए। तुम यकीन करो मैं घर में क्या करता था, मैं आंखें बंद करके ना घर में घूमता रहता था जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था। और कई दफा न जाने कितनी बार मैं खुदा के सजदे में गिरा हूँ इस बात पे। सही बात। और मैं यूं हाथ जोड़ता था और मैं कहता था कि परवरदिगार तेरा बड़ा करम, क्योंकि कोई एक चीज कोई एक आपको कोई एक सेंस आपके अंदर जिसकी कमी हो, बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपको तब एहसास होता है, मतलब अल्लाह ताला का बड़ा करम है लोगों पे, हम पे। लेकिन ऑब्वियसली दे आर गॉड गिफ्टेड, उनके अंदर और पावर्स होती हैं। बट एक चीज है यार, एक आप कलर्स देख रहे हैं, आप 10,000 चीजें और भी हैं, लेकिन वो पेन जो फील की है ना, वो दैट वाज लाइक कि मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। लेकिन वो अक्सर कभी रात को मेरे साथ जब वो होता था तो मैं यूं होता था कि या अल्लाह तेरा करम है, या अल्लाह तेरा करम है। बस ये एक वो ड्रामा करने के बाद एक दिमाग में ये बात बैठी है। अच्छा एजाज ने आजकल एक पेन लिया हुआ है मूछे रखने का, रखी हुई थी, अब तो उतार अब उतार दी, तो ड्रामा कंप्लीट हो गया ना। DSP लेकिन DSP साहब बड़े अखड़ और लेकिन मुब्तला हो गए थोड़ी थोड़ी मोहब्बत में। मुझे तो रशियन मॉडल लगना शुरू है। नहीं वो कोई 2-3 महीने रह, बल्कि आपके शो में आया था लास्ट टाइम, मेरी मूछे थी उस वक्त, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग बाकी थी। तो मुझे भी खैर आइडिया नहीं था, वो काफी प्ले हिट हो गया और अब हम रोल भी हिट हुआ। मतलब हमदर्दी होती है औरतों को, औरतों को हमदर्दी होती है, औरतें तो मारने को नहीं, कैरेक्टर की वजह भारी उठानी पड़ती है। तो वो थोड़ा सा अब हम सोचते हैं, बाबर से भी मेरी बात हो रही थी ये, तो वो कहने लगा कि यार थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, 8-10 एपिसोड और होती तो वो, क्योंकि लोगों की लाइकिंग इतनी ज्यादा होगी उसमें। अब जहाँ मैं ट्रेवल करता हूँ या जहाँ जा रहा होता हूँ लोग क्या होगा ना, वो नाक में से क्लिप कर ली गई। टाइम बड़ा अच्छा रहा, मैंने एक चेंज था पेज पे, दाढ़ी तो हम रख लेते हैं लेकिन उस तरह की मूछें रखना और उनको मेंटेन करना इजी नहीं था उनको, हर वक्त वो भी ओरिजिनल आप खुद कर रहे हो उसको हर वक्त घुमाना पड़ता था ये नोक मुझे। अब जब